जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो जो ओशियन की अपर लेयर है वो वेपराइज होती है, उसको क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर evaporation, कंप्रेसेशन evaporation होता है, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन होता है, तो बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। अब एक आता है थंडरस्टॉर्म, ठीक है। देखो थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जैसे क्लाउड्स होते हैं बेटा, ठीक है, तो बारिश टकराती, हाँ ये क्लाउड है ना। अब क्लाउड में फ्रिक्शन एयर के साथ, वो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चार्ज। तो जो हेवी चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। तो इस क्लाउड्स पे नीचे की तरफ चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर की तरफ कैसा होता है, पॉजिटिव। ये दोनों चार्ज प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं ना। लेकिन बीच में क्या है, एयर, बीच में यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर। तो ये क्या है, इंसुलेटर है, तो ये इनको रोक के रखी हुई है ना। धीरे धीरे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है तो ये वाला चार्ज बढ़ता जाएगा, एक लिमिट के बाद ये जो एयर है ये इनको मिलने से नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी, तो प्लस और माइनस चार्ज मिलेंगे और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क, ठीक है। बहुत ज्यादा सा स्पार्क होता है जब प्लस और माइनस चार्ज, जैसे आपने देखा होगा एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे मिलाओ तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, देखे देखा होगा आपने कई बार, स्पार्क होता है घरों में भी, स्पार्क होता है, वही स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क से क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट एंड हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग, है ना। अब ये जो हीट है, लाइट की वजह से क्या होता है, एक लाइट की वजह से एक ऐसा आपको थंडरस्टॉर्म दिखता है, एक सॉरी लाइटनिंग दिखती है, ऐसी है ना, ऐसी कड़कती हुई लाइट दिखेगी। दूसरा होता है थंडरस्टॉर्म, ये जो हीट है, इस हीट की वजह से, ठीक है, इस हीट की वजह से क्या होगा, आसपास की जो एयर है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करती है, वो क्या करती है, एक्सपेंड हो जाती है। क्योंकि देखो जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई, ये आसपास की गैसेस सडनली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लेयर पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी और सडन एक्सपेंशन होता है। उस एक्सपेंशन में क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड, और उस साउंड को बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, लेकिन लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड, और साउंड की स्पीड कितनी होती है, 3 × 37⁻³⁴ मीटर पर सेकंड। तो पहले आपको क्या दिखता है, लाइटनिंग, लाइट, थंडरस्टॉर्म कुछ देर बाद होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों प्रोसेस क्या होती है, एक साथ होती है। आ गई बात सुनने। अब देखो एयर जो होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, एयर क्या है, इंसुलेटर, लेकिन फिर भी आपको लाइटनिंग ऐसे मूव करती हुई दिखती है, yes, sir. क्यों, क्योंकि वैक्यूम के अलावा कोई भी 100% इंसुलेटर नहीं है। क्या बोला मैंने, वैक्यूम के अलावा कोई भी 100% इंसुलेटर नहीं है, है ना। मतलब हमारी बॉडी भी, जैसे आपने बैटरी को हाथ लगाया तो आपको शॉक नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी इंसुलेटर है। क्या आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को पकड़ लोगे क्या डायरेक्ट, नो सर। क्योंकि उस छोटे वोल्टेज के लिए बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था और बहुत कम करंट से हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यदि ज्यादा वोल्टेज के वायर को आपने पकड़ लिया तो आपकी बॉडी में सफिशियंट करंट फ्लो होगा और वो सफिशियंट करंट हमें फील होगा, है ना। वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो वो हमें क्या कर सकता है, हार्म भी पहुंचा सकता है। आ गई बात समझ में, तो ये याद रखना कोई भी 100% इंसुलेटर नहीं होता है, बस वैक्यूम है 100% इंसुलेटर। क्लियर है, यस सर। हाँ आपने देखा होगा कई बार, है ना, यदि एक ये वाला वायर ले हम, ठीक है, और एक ये वाला वायर ले, हमारे घरों में सप्लाई कितनी होती है, 220 वोल्ट का, लेकिन यदि हम इसको 1000 वोल्ट दे दें, है ना, तो 1000 वोल्ट जब सप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्पार्क दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, स्पार्क। स्पार्क में क्या हुआ, मतलब करंट चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो हुए, क्या एयर कंडक्टर थी, एयर तो इंसुलेटर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाया
तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, आयन बन गए और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया। आई बात समझ में? Yes. मतलब एयर भी क्या है, कंडक्टर की दी है, वो कर सकती है, लेकिन कब, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हो। क्लियर है? तो इसलिए एयर भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं मानते हम, इंसुलेटर तो है ना, लेकिन परफेक्ट इंसुलेटर नहीं बोल सकते हम। जो आपके वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये क्या है, ठीक ठाक इंसुलेटर है, है ना, लेकिन परफेक्ट इंसुलेटर या आइडियल इंसुलेटर हम इनको नहीं बोल सकते। तो आगे बात में, तो कोई भी परफेक्ट कंडक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई परफेक्ट इंसुलेटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास कैसे आए? क्या बेटा? ये वाला, ये हुआ फ्रिक्शन से, हवा फ्लो हो रही थी, ये मूव कर रहे थे तो हवा के साथ फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, बिना कहे याद चले, ठीक है, हवा के साथ फ्रिक्शन हुआ और उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से ये चार्ज हो गया। क्लियर है? अब बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार क्या होता है चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ये आइडियली रखा हो वो दूसरा वाला क्लाउड ने इसको टक्कर मार दिया, टक्कर मारने से क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज है इस प्लस के, प्लस में पहुंच गया, पास में पहुंच गया, और पास में पहुंच गया तो प्लस और माइनस को रोकने से ये जो एयर है वो नहीं रोक सकी, है ना, तो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होने का कोई एक रीजन नहीं है। क्लियर है? तो कई बार क्या होता है, मोस्टली बारिश के दिनों में जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, है ना, तो जब क्लाउड टकरा गए, एक इधर वाला क्लाउड इससे टकरा गया, है ना, तो ये प्लस और माइनस आपस में मिल गए और लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब कई बार हो गया कोई दूसरा वाला क्लाउड बहुत हल्की स्पीड से टकराया तो नहीं भी हो डिस्चार्ज, है ना, कोई छोटा क्लाउड बहुत तेज स्पीड से टकरा गया तो हो जाए, है ना, तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा वहां की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब लाइटनिंग और थंडर क्लियर हुआ, ठीक है, और इस लाइटनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, समझ में आया, मतलब ऐसी छोटी मोटी एनर्जी नहीं, आप समझ लो 1,00,000 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, समझ रहे हो कितना ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वोल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, अच्छा लाइटनिंग का कोई एडवांटेज है? बोलो, ये जो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म है इसका कोई एडवांटेज है? नहीं, कोई नहीं पता सर। है एक एडवांटेज, जब लाइटनिंग होती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है ऊपर, है ना, तब आपकी ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है ओजोन लेयर में, किसमें कन्वर्ट होती है, ओजोन लेयर और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होती है? लाइटनिंग की वजह से या साउंड की वजह से? लाइटनिंग, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर की हेल्प से ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये भी एक जनरल नॉलेज है, मतलब हमारी लाइफ में जो लाइटनिंग होती है हम देखते हैं उसका एडवांटेज है, मतलब लाइटनिंग होना अच्छी बात है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लाइटनिंग यदि अर्थ की नियर सरफेस पे होती है ना, मतलब अर्थ के नियर एटमोस्फियर में, तो जो लाइटनिंग है वो कहाँ आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है, और जिसके काफी एक्सीडेंट हो सकते, होते ही है ना, कई बार बिजली गिरती है तो किसी के घर पे गिर जाती है तो वहां आग लग जाती है, किसी की डेथ हो जाती है ना, आ गई बात समझ में? अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखो ये है आपकी अर्थ, ये है क्या है, अर्थ, और अर्थ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। अब क्या होता है कि पहले की बात बता रहे हैं, मतलब पहले के जमाने में जो घर होते थे वो किसके बनते थे, सब वुड के, वुड और मिट्टी के, क्ले के, है ना, तो जब बारिश होती है तो ये पूरा मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है, पूरा घर गीला हो जाता है, यस सर, और वाटर क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर है प्योर वाटर, ठीक है,
प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर होता है, लेकिन जो हमारा रेगुलर वाटर है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो उसकी वजह से ये बिल्डिंग भी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बिल्डिंग है वो क्या करती है, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करती है। क्लाउड्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो क्लाउड यहाँ पास में आ गया, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस प्लास से टकराता है, एक करंट फ्लो होता है, और वो करंट इसके थ्रू होता है, बिल्डिंग के थ्रू होता है, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तो बिल्डिंग में क्या हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। हाँ, मतलब वो जो टाइम होता, मतलब एक सेकेंड दो सेकेंड होगा, लेकिन एक दो सेकेंड में पूरी बिल्डिंग क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। आ गई बात समझ में। तो इस समस्या से बचने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेटल का वायर लगा, मेटल का रॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मेटल का रॉड, मेटल का रॉड, है ना। मेटल का रॉड लगाने से जैसे ही पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, जैसे ही ये इससे कनेक्ट आया, पूरा का पूरा जो करंट है वो किसके थ्रू होगा, करंट के थ्रू फ्लो, इसके रॉड के थ्रू फ्लो होगा। यस सर। तो ये जो घर है इसकी, इस पर जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन आजकल हमारे घर किस चीज के बनते हैं, सीमेंट, सीमेंट और कंक्रीट, आयरन रॉड्स यूज करते हो नहीं करते हो? यस सर, यस सर। तो अब हमें ये कंडक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जो आयरन रॉड्स होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, घर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में एक पर है ना कवर नहीं करते, यस सर, ठीक है, थोड़ा सा एक आध वायर के, एक आध जो ये आयरन रॉड है वो ओपन रख देते हैं, ठीक है। आ गई बात सुनने। तो ओपन रखने से क्या होगा, सब वो उसमें जो क्लाउड से टकराए, तो करंट कहाँ चला जाएगा, सीधा अर्थ में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जापान वगैरह जो कंट्रीज है वहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये होती रहती है। तो उस जगह क्या होता है, वो जो घर बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, वुडन, वुड के बनाते हैं ना, नॉर्मल, तो उसमें है ना लाइट मटेरियल के बनाते हैं, तो वहां पे ये समस्या होती है। तो वहां पे लाइटनिंग कंडक्टर अब भी यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, yes, अब, हाँ, अब अज्यूम करो कि जैसे मान लो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसके पास में एक और बिल्डिंग है, ये एक और बिल्डिंग है, यहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग है। तो छोटी बिल्डिंग में यदि लाइटनिंग कंडक्टर यूज नहीं भी हुआ तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये मान लो कोई क्लाउड है, है ना, और क्लाउड ये ऐसा नीचे आ जाएगा सीधा, ऐसा होगा क्या? नो सर, वो उसके वजह से रुक जाएगा, इधर इधर से आएगा तो इस वाली मल्टी से रुक जाएगा, इधर वाला इस वाली। तो जो लो हाइट के मकान होते हैं, है ना, उसमें एज सच लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है। लेकिन लेकिन यदि ऐसा हो कि बहुत ओपन स्पेस है ना, मान लो एक कोई फील्ड एरिया है ना, फील्ड एरिया है, वहां पे बस आपका छोटा सा घर हो, ठीक है, इतना छोटा सा घर है, तो क्लाउड्स क्या होंगे ओपन स्पेस में, तो नीचे भी आ सकते हैं। आ गई बात सुन में, नीचे भी आ सकते हैं, क्लियर है। यस सर। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है तो कभी भी ओपन स्पेस में नहीं जाना चाहिए, ये रीजन पड़ा है। यस सर। क्यों? क्योंकि ओपन स्पेस में क्या होगा, क्लाउड नीचे आ जाते हैं तो आप है ना, तो आपके ऊपर लाइटनिंग हो सकती है, क्लियर है। यस सर। लेकिन किसी बिल्डिंग के पास में हो तो आप पर लाइटनिंग के कभी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे कि जब आप वो लिखते हो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम ओपन स्पेस में जाना चाहिए, ठीक है, और लाइटनिंग के टाइम ओपन स्पेस में नहीं जाना चाहिए। रीजन समझ में आया? यस सर। हाँ, अब एक और है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कभी भी एक और चीज बोलते हैं कि कभी भी लाइटनिंग के टाइम पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो ये भी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और आप यहाँ पे हो, ठीक है, इतनी दूर खड़े हो तो आप क्या हो, सेफ हो। लेकिन यदि आप यहाँ पे खड़े हो गए, है ना, तो क्लाउड किससे, इस पेड़ से टकराएगा, यस सर,
पेड़ से टकराएगा तो इस पेड़ में आग लगेगी, तो आप उसके बगल में हो तो आपको भी हार्म होगा, लेकिन थोड़ा दूर खड़े हो तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। तो यही चीज आपको समझाई हुई है इस चैप्टर में, ठीक है? देखो मैं शेयर करता हूँ। सर जो टावर वगैरह उनके पास वैसा ही उनमें होता है? टावर बेटा पूरा ही आयरन का है, तो फिर उसमें कहाँ लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत है? नहीं सर, आयरन का कहाँ होता है वो? टावर किसका होता है? टावर मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी ऊपर होता है, ओपन रखते हैं, ठीक है? ओपन वाला एक का वायर ओपन रखते हैं, ठीक है? नहीं सर, जो क्या कहते हैं जिससे वो आते हैं अपने सिग्नल आते हैं सिग्नल वगैरह, तो वो किस मेटल का होता है? मेटल का होता है ना बेटा, उसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं फिर। ठीक है, अब ये देखो यही चीज समझ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्लाउड्स, क्लाउड ने उसको अट्रैक्ट किया, सीधा कहाँ चले गया? अर्थ में कनेक्ट हो गया, ठीक है? ये सेफ्टी आपको क्या क्या रखना है, ठीक है? क्या बड़ी बिल्डिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए, छोटी बिल्डिंग क्या अर्थक्वेक के चांसेस कम होते हैं, डू नॉट शेल्टर अंडर ट्री के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हमेशा घर के अंदर रहोगे, सेफ रहोगे, ठीक है? अब इसमें क्या लिखा है, टेक शेल्टर इनसाइड अ कार और अ बिगर व्हीकल लाइक अ ट्रक, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके भार होता है, exactly. किसी भी कंडक्टर के बॉडी में चार्ज कहाँ होता है? आउटर सरफेस पे होता है, इनर सरफेस पर नहीं होता है, इसलिए हम अंदर क्या होंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है? आपकी हाइट कम कर लो, आप नीचे वाली सर जगह चले जाओ, है ना? कभी भी फील्ड एरिया किसी ग्राउंड वगैरह में नहीं जाना चाहिए, है ना? और लाइटनिंग एक बार है ना कहाँ गिरी थी, उसमें एक गोल्फ क्या बोलते हैं गोल्फ फील्ड में गिरी थी ना, तो वहां पर पूरा घास है वो जल गया था उस फील्ड का। अब देखो लाइटनिंग कंडक्टर यूज करना चाहिए ना, ये सब सिंपल सिंपल है, ठीक है? ये आप लोग कर लेना डीपीपी, है ना? बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा करने जैसा कुछ है नहीं। यस सर, कर लेना, कोई भी डाउट हो। चैप्टर बचे, लास्ट बचा है, ठीक है? आज खत्म कर दें। ये सर कर डालते हैं सर, फिर एक सर एक बात पूछनी थी। बोलो सर, वो क्लाउड में नेगेटिव चार्ज नीचे क्यों रहता है, ऊपर भी तो रह सकता था? देखो फिजिक्स में दो चीजें, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो हो जाता है उसको एनालाइज करते हैं और उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे कोई भी चीज है कि एक एप्पल गिरा बर्ड नीचे, है ना, तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, नीचे गिरा, है ना? तो साइंटिस्ट ने सोचा नीचे क्यों गिरा, तो उसके फिर रिसर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर कोई फोर्स हुआ होगा, है ना? फिर उन्होंने देखा कि एप्पल भी गिरा और एक बड़ा बॉल भी गिरा, दोनों सेम स्पीड से गिरे, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ, है ना? फिर ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना? तो जो चीज देखी उसको उन्होंने रूल्स बनाए, ठीक है? लेकिन अभी तक हमें इस चीज का पता चला क्या कि क्यों अट्रैक्ट करती है अर्थ? सर ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को हमने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। क्यों करती है? तो उसका कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं, ये नेचर का लॉ है ना, नेचुरल लॉ है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं? यस सर। यस सर। क्यों होते हैं? सर ये भी नेचर का, नेचर का लॉ है ना, प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के रिपेल करते हैं। यस सर। है ना, तो हम बताते हैं कि इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दूर जाएंगे तो कम रिपेल करेगा, पास आएगा तो बढ़ेगा, अंदर हमने ये मटेरियल रख दिया तो ज्यादा करेगा कम करेगा, लेकिन क्यों करेगा ये भी सर नेचर का लॉ ये नहीं है ना? तो वैसे ही हमने जब ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये ऑब्जर्व की, अब देखो सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में जाता है,
तो इसका मतलब है हमारी अर्थ कैसी घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट, है ना। अब ईस्ट टू वेस्ट ही क्यों घूमती है अर्थ, ये भी सन पता नेचर का लॉ हमने देखा, मतलब घूम रही है। यस सर, हमारे जो पूर्वज है वो भी देखता है कैसी घूम रही है, हम भी देख रहे हैं, है ना। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी देखेगी कि घूम रही है, क्यों घूम रही है, बस घूम रही है, ठीक है। मून को अर्थ के अराउंड घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, मून को कैसा क्या मजा आ रहा है अर्थ के अराउंड घूमने में, आइंस्टाइन नेचर का लॉ ये भी। हाँ, वो घूम रहा है ना, क्यों घूम रहा है, उसको मजे आ रहे हैं, कितने मजे आ रहे हैं उसको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने देखा, हाँ, जो चीज देखी हमने उसको ऑब्जर्व किया और क्यों, उसके पीछे रीजन ढूंढे, अच्छा ये इस रीजन से घूम रही होगी, ये फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, है ना। लेकिन हर चीजों के हम रीजन अभी हमें नहीं पता है ना। तो आ गई बात समझ। तो हमने जब देखा क्लाउड्स में कि क्लाउड्स में नीचे पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज था, ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने एक थ्योरी बनाई। हाँ, ये हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज क्या हेवी होता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज डोनेट करता है, इसलिए उसका मास कम है, इसलिए हेवी चीज नीचे होती है, लाइट चीज ऊपर होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने थ्योरी बना ली, ठीक है, आ गई बात सुनने। यस सर। तो इसका अब देखो, इसकी दो चीजें, हम एक थ्योरी ऐसी भी है कि इलेक्ट्रॉन हेवी होता है इसलिए वो नीचे है, नहीं नीचे है ये हमने ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग हमने थ्योरी बनाई कि हाँ हो सकता है कि वो लाइट होता है इसलिए ऊपर पॉजिटिव रहता है लाइट होने की वजह से, और हेवी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे रहता है, क्लियर है। Yes, हाँ, ऐसा हमने अज्यूम किया है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सभी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन होते हैं, इसलिए हमने उसको कंफर्म कर लिया कि हाँ रियल में ऐसा होता होगा, है ना, किसी ने उसका अपोज नहीं किया। आगे तो कि सर अर्थ में अर्थ बहुत बड़ी है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है अर्थ में, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका इसके पे किसी ने अपोज किया होगा इसलिए उसको ज्यादा लोगों ने अप्रूवल दिया। अब देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नाइट, इसका इसके बारे में आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है ना। अब देखो यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं, सब चीजें होती जो हम हमारे स्पेस में देखते हैं ना। अब ये बताओ कि अर्थ जैसा अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सेम मोशन दूसरे प्लेनेट भी ऐसे ही घूम रहे हैं सन के अराउंड, जैसे स्पीड कांस्टेंट, हाँ स्पीड स्पीड अलग होगी, डिस्टेंस अलग है, लेकिन घूम तो वो भी रहे ना, वैसे ही दूसरे प्लेनेट भी घूम रहे हैं। जैसा मोशन अर्थ का सन के अराउंड है, सेम मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, आई बात समझ में। जैसा सन क्या घूम रहा है अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, वैसे ही मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, और ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम किसी और चीज के अराउंड घूम रहा है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग, ठीक है। अब ये सब क्या हुआ, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, हर चीजें एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है, हमारा यूनिवर्स है वो क्या, एक्सपेंड। अब यूनिवर्स के ऊपर क्या होता है, वैक्यूम, है ना। तो यूनिवर्स कहां तक है इसका हमें कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है, हाँ मतलब तो एक लास्ट लिमिट हमें तक नहीं पता है कि लास्ट लिमिट क्या है, कब तक हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है, उसका हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है। दूसरी बात, हर चीजें एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब है कि सब चीजें कहीं एक जगह से आई होगी, ठीक है, तो उसी को बोलते बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि सभी चीजें कोई एक हेवी ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, और उसमें कुछ ब्लास्ट हुआ और ये जो भी हमारा है ना सिस्टम है वो बना, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक चीज घूम रही है, ठीक है, और वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए जो जैसा मोशन कर रहा है वैसा मोशन आज तक करने लगा कर रहा है। आगे जा समय कैसा क्या हुआ उसका अभी तक कोई क्लियर, ठीक है, एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, अर्थ ऐसे बनी होगी, ठीक है। आपके ख्याल से ये कितने साल पहले हुआ,
पता नहीं बेटा, है ना, क्योंकि हमारी अर्थ पर ही कितनी बार लाइफ आ चुकी है, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर लाइफ आ चुकी है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे, ठीक है, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आदि मानव वगैरह जो भी रहते थे, है ना, जानवर थे जो भी थे, है ना, उनके पहले अर्थ कई बार कोई सोलर सिस्टम बनाए, और मतलब देखो एक और थ्योरी बोलती है बेटा कि, कि हर चीज क्या हो रही है बार बार, जैसे हो सकता है कि जब पॉल्यूशन वगैरह इतना ज्यादा हो जाएगा तो पूरी अर्थ फिर से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर कुछ लोग रह जाएंगे, है ना, उनकी वजह से वापस से अर्थ का फॉर्मेशन, वापस से पॉपुलेशन बढ़ेगी, वापस से कंट्रियां बनेगी, है, तो ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी, ठीक है। जब क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, जब हम सब पेड़ पौधे काट देंगे, है ना, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, फिर हो सकता है सुनामी वगैरह कुछ आए, सबको डिस्ट्रॉय कर दे, सब बराबर कर दे, वापस से फिर नई शुरुआत हो। क्योंकि देखो मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी हम मानते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो कितना है, 5000 ईयर है ना, यस सर, मतलब 5000 साल हो चुके हैं लाइफ, सर, है ना। लेकिन जो द्वारका है, द्वारिका सुना है, तो द्वारिका जो है उसकी जो एज है वो कहीं लाख ईयर्स पहले की है, ठीक है, सबसे पहला, तो इसलिए अज्यूम्शन है कि हो सकता है कि द्वारिका बनी उसके बाद कितनी बार ये प्रोसेस हो चुका होगा, हर हो सकता है 20,000 साल बाद ये प्रोसीजर हो रहा हो, है ना, हर 2000 साल के बाद, 20,000 साल के बाद क्या होता है, एक रिनोवेशन होता है, सब चीज खत्म हो जाती है, आगे बात समय, तो ये चीजें बार बार होती रहेगी, ठीक है, मतलब फोन की तरह अपडेट आता रहता है हमेशा, हाँ सब चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, हम सब लोग मर जाएंगे, कुछ कोई लाइफ नहीं, कुछ लोग है ना बचे रहेंगे, उससे वापस से पूरी अर्थ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है सर। कुछ की जगह जीरो हो जाए तो खत्म, खत्म नहीं होगी, ठीक है। अब देखो पर अभी तक हमें ऐसा कोई प्लेनेट नहीं पता है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। अच्छा, इलोन मस्क तो दावा कर रहा है अपने स्पेस एक्स से कि मार्स में हो सकता है, मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ना मून पे है, आ गई बात सुनना। अब आपको एलियंस वगैरह की तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की जो चीजें हैं वो न्यूज के थ्रू और आपको वीडियोस के यूट्यूब के थ्रू आपको मिलेगी, लेकिन कोई सच्चाई नहीं है, आ गई बात सुनना। ओके सर, कोई भी बोल देगा एक अर्थ मिली है वहां पे, है ना, अर्थ जैसा है और उसपे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन रियल में ऐसा कोई ऑफिशियल, है ना, स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट्स का कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है, क्लियर है। यस सर, हाँ ये जरूर है कि यूएफओ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च हुआ है। यूएफओ क्या होते हैं, अराउंड अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब साइंटिस्ट ने क्या देखा, देखो यूएसए ने क्या देखा कि एक कोई ऑब्जेक्ट था इस टाइप का, है ना, कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट था, उन्होंने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा उसको उसके फोटो लिए, उसको देखने के लिए क्या हुए, कोई एक फाइटर प्लेन भेजा, तो ये बहुत तेज स्पीड से गायब हो गया, आ गई बात समझी, तो ये भी सही है, ये कैसे पता, ये तो हुआ है ना, ये गवर्नमेंट ने बोला है ना कि हमें कुछ चीज दिखी थी, उसके फोटो लिए हमने, लेकिन उसको हम जब पास से देखने गए तो वो बहुत तेज स्पीड से मूव कर गया, हमें उसका कोई अता पता नहीं मिला, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज उन लोगों को पता चल गया होगा कि एक और दुनिया है, सुनो तो अब देखो, अब उन्होंने ये देखा कि हमारी जो सबसे तेज जो ऑब्जेक्ट है, हम सबसे तेज क्या है, हमारे फाइटर प्लेन है ना, यस सर, हम फाइटर प्लेन के लिए स्लो, हाँ अब फाइटर प्लेन की स्पीड से हम गए, तब भी इसके रिलेटिव हम कुछ भी स्पीड नहीं थी, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, है ना, यस सर, बहुत ज्यादा थी, मतलब हो सकता है कि ये कोई और प्लेनेट्स वगैरह हो, या हो सकता है ये कोई इल्यूजन हो, कंफ्यूजन हो, आ गई बात समझ में, या किसी प्लेनेट्स वगैरह की इमेज हो, है ना, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि हमें कोई चीज दिखा था, हम जब उसके पास में फोटो खींचने गए तो वो बहुत तेज स्पीड से मूव कर गया, है ना, यदि वो रियल में, है ना,
कोई यूएफओ है ना कोई दूसरे प्लेनेट का, तो ऑब्वियसली वो वाली जो वो वाला प्लेनेट है हमसे कहीं ज्यादा टाइम्स एडवांस्ड है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे वर्ल्ड में नहीं है, है ना। दूसरी बात, हमारे जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो आगे से कैसे होते हैं, नेरो टाइप होते हैं ना, स्ट्रीमलाइन होते हैं, लेकिन ये सर्कुलर है, और सर्कल वाली टेक्नोलॉजी अभी हमारे मतलब किसी भी कंट्री के पास नहीं बनी, मतलब ये नई टेक्नोलॉजी होगी, या हो सकता है कि कोई इल्यूजन वगैरह हो, ठीक है इसका। तो इसलिए यूएफओ वगैरह के पिक्स वगैरह वीडियो वगैरह आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, तो अभी भी वो क्या है। और देखो अमेरिका में एक जगह है जहां पे यूएफओ और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस जगह का एक्सेस किसी के पास नहीं है, है ना। वहां की जो तो लोग दूसरी कंट्री ऐसा बोलती है कुछ लोग कि वहां पे ना वो एलियंस को पकड़ के रखते हैं। यस सर, एरिया 51। हाँ, और उसमें है ना बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। यस सर, कि वहां पे वो एलियंस को पकड़ते हैं, एलियंस को मारते हैं, है ना। सर एक मूवी में बता रहे थे कि एक एस्ट्रोनॉट ने मार्स पर पोटैटो गाए थे। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रियल मूवीज में, तो मैच में दिखता है ऐसा, तो इसीलिए है ना बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो इसलिए रियल में ऐसा नहीं है, ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, अब जो हमारे हैं जो प्लेनेट्स वगैरह, अच्छा एक बताओ हमारे स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट क्या है? सन, ठीक है, और ये क्या है? स्टार, एक स्टार। हमारे नियर स्टार सन ही है। यस सर, सेकंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हाँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या इसको अल्फा सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। वहां से लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 3 years, है ना। मतलब यदि लाइट की स्पीड कितना है? 3 × 10 की पावर 8 meter। इतनी स्पीड से जाओगे तब भी आपको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4.3 years लाइट ईयर, है ना। मतलब जिस दिन वो ग्लो करना बंद कर देगा आपको कब पता चलेगा उसके 4.3 लाइट ईयर के बाद पता लगेगा कि वो स्टार ने ग्लो करना बंद कर दिया। आ गई बात समझ में? तो आप समझ सकते हो कि हमारा यूनिवर्स ये तो सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, और बाकी दूर वाले तो बहुत दूर दूर हो गए, क्लियर है। यस सर। अब देखो, बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर किलोमीटर में हम नहीं कर सकते, उसके लिए एक यूनिट होती है लाइट ईयर। क्या होती है लाइट ईयर? तो लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर। क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर। इन वन ईयर, ठीक है, उसको उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वन लाइट। ठीक, अच्छा लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻¹⁸ मीटर/सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। यस सर। इनटू यदि हमने कर दिया 60, तो ये वाला डिस्टेंस कितने है 1 मिनट में? यस सर। यस सर। इनटू 60 कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस वन आवर। इनटू 24 कर दिया तो वन लाइट ईयर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन आती है आपकी 9.46 × 10⁻¹ कितना होता है? 12 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ गया? × 10⁻¹ 12 किलोमीटर। अब समझ में आया? वैसे ही एक पार्सेक करके यूनिट होती है, वो होता है 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 1 पार्सेक, क्लियर है। अब हर चीज क्या हो रही है? हमसे दूर जा रही है, ठीक है। अब जो सन है, सन देखा जाए तो बहुत सारे स्टार्स है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन सन जो है वो एक मतलब तीन कैटेगरी, एक होते हैं है ना स्मॉल, एक होता है मीडियम, एक होता है लार्जर। तो ये मीडियम साइज स्टार है ना, मतलब सन से भी बड़े बड़े स्टार्स पॉसिबल हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। सन जो है वो कैसा है? मीडियम रेंज स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा स्टार
नहीं है, क्लियर है? ओके सर। और सन की लाइट को अर्थ तक आने में अराउंड कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट। ये अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड हो गए? 500 सेकंड। 500 सेकंड। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो कौन पड़ोसी करेगा? सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया बेटा? 5 और 3 कितना होता है? 15 होता है और ये 100 है, 10 की पावर कितना हो गया? 11। 11 बेटा मैंने 15 नहीं लिखा, मैंने 1.5 लिखा है। 1.5 × 10⁻¹¹। ठीक है, आप लोग करोगे तो आप लोग लिखोगे उसको 15 × 10⁻¹¹, है ना? दोनों का मीनिंग तो एक ही ना बेटा, ठीक है? लेकिन स्टैंडर्ड होता है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, है ना? ओके सर। इसलिए आप मैक्सिमम जो भी बड़ी वैल्यूज देखोगे वो कितना 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। देखो देखो आ गए, आ गई बात समझ में? यस सर। अब जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? Which give their own light. Light देते हैं। वो क्या करते हैं? वो luminous object होते हैं। वो क्या करते हैं? Heat और light को produce करते हैं। ठीक है? तो produce करते हैं तो वहाँ पर कौन सा reaction होता है? उसको बोलते हैं nuclear fusion reaction। उस fusion reaction में hydrogen converted होती है helium में, ठीक है? और large amount, large भी नहीं बोल सकते उसको, tremendous word use करते हैं ना? लास्ट तो समझ रहे हो ज्यादा, लेकिन ट्रेमेंडियस मतलब बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है? जब पूरा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सन आपका ग्लो करना बंद कर देगा। आ गई बात सुनने? यस सर। उसको हम बोलेंगे कि वो स्टार की वो डेथ हो गई, है ना? अब यदि उसका मास ज्यादा होता है तो वो ब्लैक होल वगैरह बनाता है, कम होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट प्लेनेट वगैरह, है ना? दूसरी चीजें बनती है। जो स्टार क्या बनाता है, ज्यादा होता है तो ब्लैक होल बनता है। मतलब एक साइंटिस्ट थे शायद सीवी रमन, है ना? उन्होंने बताया था कि यदि किसी प्लेनेट का मास 1.4 times ऑफ मास ऑफ सन से ज्यादा है तभी वो एक ब्लैक होल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, ठीक है? ओके सर। सर सीवी रावण इंडियन के साइंटिस्ट है ना? हाँ, कर दिए ग्रो, ठीक है? उनको अवार्ड भी मिला था भारत रत्न। हाँ, तो उन्होंने ये बताया था, है ना? उनपे 404। अब देखो जो प्लेनेट्स होते हैं उनके कलर के हिसाब से भी उनकी एज डिसाइड करते हैं। जो ब्लू कलर के प्लेनेट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? यंग होते हैं। और जो रेड कलर के होते हैं वो ओल्ड होते हैं, ठीक है? सर मार्स कैसा है? है एक और मार्स कौन बोल रहा है कि मार्स स्टार है क्या? तो सर आप ही तो बोल रहे हो कि प्लेनेट, प्लेनेट नहीं स्टार, मैंने गलत बोला तो, ठीक है? ओके सर सर सर। जो रेड स्टार होते हैं ना बेटा वो कैसे हैं? ओल्ड है। और जो ब्लू कलर के स्टार्स हैं वो कैसे है? यंग है, है ना? मतलब उनका टेम्परेचर भी ज्यादा है, वो ज्यादा लाइट इमिट कर रहे हैं। और जो रेड वाला है वो क्या है? कम लाइट इमिट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? हीलियम गैस बनाते हैं और ट्रेमेंडियस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब कभी ना कभी दुनिया खत्म हो। हाँ बेटा, मतलब ये बोल सकते हैं कुछ 10⁻¹⁸ ईयर के बाद, 10⁻¹⁸ ईयर के बाद सन की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? देखने लाइक बहुत होती है ना, इतने इयर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स के बाद, है ना? तो ये भी क्या अप्रोक्सीमेशन है ना, और इतने बहुत ईयर होते हैं, ये टाइम बहुत होता है, क्लियर है? मतलब बहुत लंबा टाइम तक सन जीवित रहेगा, क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन, ये होने के लिए, ठीक है,
अब देखो हमार एनर्जी हमें भी रिक्वायरमेंट होती है अर्थ की, तो हम भी चाहते हैं कि ये फ्यूजन रिएक्शन हम करवाएं अर्थ पे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यदि थोड़ी सी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा यदि एनर्जी बिन रही है तो हम भी चाहेंगे कि अर्थ पे यूज कर लें, कि थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस से बहुत सारी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, इसको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर टू स्टार्ट टू। एप्रोक्सीमेट कितना? 10,000, ठीक है। और सेकेंड, ये अनकंट्रोलेबल है, जब तक पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने रखा 1 लीटर हाइड्रोजन, तो जब तक पूरा 1 लीटर हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो? नहीं, एक बार स्टार्ट हो गई तो बेटा, स्टार्ट हो गई तो उतना टेम्परेचर खुद भी बनाएगी ना, तो वो भरता रहेगा। जैसे 10,000 पे स्टार्ट कर दिया, उसके बाद तो वो टेम्परेचर 1 लाख तक भी जाएगा, है ना, और भी जाएगा, लेकिन इसको स्टॉप नहीं होगा जब तक पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वो रिएक्शन रुकेगी नहीं, ठीक है। और इसी पे बेस्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, यस सर। अब हाइड्रोजन बॉम्ब इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, उसके साथ कौन सा बॉम्ब रखते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होगा तब जाके इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होगा, क्लियर है। तो फिर तो सर ये हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे अपने अर्थ की हाइड्रोजन ले लेगा? नहीं, उसमें जितना रखोगे उतनी ही लेगा ना। अच्छा सर, इसमें रखनी पड़ेगी? हाँ, इसको हम हाइड्रोजन देंगे। और दूसरी बात कि हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टिव गैस है बहुत, है ना, तो कभी भी ओपन हाइड्रोजन गैस मतलब अवेलेबल ही नहीं होती है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होती है, हमेशा किसी के साथ रिएक्ट ही होती है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाइड्रोजन, तो इसीलिए हाइड्रोजन में सबसे अच्छा फ्यूल है, जो हमारे बोल सकते हैं जो सैटेलाइट वगैरह जब जाते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं एज अ फ्यूल, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना वो क्या है, काफी मुश्किल है, क्योंकि वो क्या है, किसी के साथ भी, हाँ, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है, किसी के साथ भी रिएक्ट होना चाहता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है वो किसी के साथ भी, है ना। दूसरी बात कि हाइड्रोजन एक और रिएक्ट होने के एक और चांसेस है, ये यदि ये कॉन्फिगरेशन होता है उसका, है ना, तो कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेबल कब होता है, जब वो अपना ऑक्टा कंप्लीट कर ले, पूरा खाली हो या पूरा भरा हो, तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो पूरा खाली हो गया, यस सर, और किसी के एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी स्टेबल हो गया, तो ये हर हर कंडीशन में खुशी है ना, जो भी मिलेगा उसके साथ रिएक्ट कर ही लेता है ये बहुत जल्दी से, है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन बम इंडिया ने बनाया था तो उसको कहाँ पे ब्लास्ट किया था? पोखरण में। पोखरण में क्या किया था, ऐसे एक बहुत लंबा क्या बनाया था, ड्रिल किया था, है ना, ड्रिल कर दिया था, हाँ, और ड्रिल करके फिर वहां पे नीचे ब्लास्ट किया था उन्होंने हाइड्रोजन बम, आई बस उन्होंने यहाँ पे, और इसको पूरा भर दिया था मिट्टी से, है ना, तो पूरा क्या कर दिया था, भर दिया था पूरा, है ना, पूरा भर दिया था और फिर जाके ब्लास्ट किया था, तो पूरी अर्थ पर क्या था, एक अर्थक्वेक सा आया था, ठीक है, पूरी अर्थ पे, हाँ, पूरी अर्थ को उसने हल्का सा हिला दिया था, मतलब यहाँ पर तो, यहाँ पे तो दिखा ही था, यहाँ पे तो जो बिल्डिंग्स वगैरह वो सब हिल गई थी, लेकिन पूरे अर्थ में हल्का सा वाइब्रेशन आया था, तो काफी ज्यादा हेवी होता ही है ना। और इंडिया ने चुपचाप किया था, है ना, सब कंट्रीज ने उसको अपोज किया था और इंडिया पर काफी सारे सैंक्शंस भी लगे थे उस टाइम पर, ये सब वो सैटेलाइट से बचा के किया था, हाँ, हाँ। और उस टाइम के बाद क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे रिलेशन तोड़ दिए थे ना, इसलिए जब हम बॉम्ब बना रहे हैं, हाँ, और 1990 में जब कारगिल वॉर हुआ था, इसीलिए कोई कंट्री ने हमारे सपोर्ट नहीं किया था, हमें आर्म्स भी सप्लाई नहीं किए थे सैंक्शंस की वजह से, है ना, हमें सप्लाई नहीं किया था, लेकिन इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है ना, बहुत
हाँ पहले तो, अब तो और चीजें काफी सारी इंडिया में बनने लगी, लेकिन पहले कुछ भी नहीं होता था, है ना। तो हम हर चीज क्या है, परचेस करते थे, और परचेस करते थे तो बहुत सारी कंट्रीज क्या होती थी, हमसे बहुत सारी अर्निंग करती थी, तो उन सबके बिजनेस क्या हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया ना, क्योंकि हमारे इंडिया में हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 1992 के बाद से स्टार्ट किए हमने, है ना। यस सर। क्योंकि हम दूसरी कंपनीज को अलग ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आजाद हुए 100-200 साल में, है ना। यस सर। फिर सोचे कि वापस से दूसरी कंपनी को बुला ले तो डर ही था, है ना, या फिर से गुलाम हो गए तो फिर से 200-300 साल लग जाएंगे, फिर से बंद। हाँ ठीक है। तो इसीलिए फिर हमने कुछ रूल्स बनाए, है ना। तो वो रूल्स बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, है ना, उस टाइम पर वो गवर्नर थे। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि आप उनको अलाउ तो करो, लेकिन उनकी जो पावर से वो उतनी उनको मत दो। यदि वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपसे परमिशन लेके तभी एक्सपेंड करेंगे, है ना। आपके पास पावर होगी कभी भी उनको आप बंद करा सकते हो, है ना। तो ऐसी कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे सन में भी यही रिएक्शन होती है, जब तक सन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जाएगी ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया स्टार्स में, ये सब होता है ना। फिर देखो स्टार्स क्या होते हैं कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमसे दूर है। अच्छा स्टार्स भी हमसे दूर जा रहे हैं, यस सर, लेकिन क्या हमें मूविंग दिखते हैं, नहीं दिखते, वो हमसे बहुत 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 दूर है ना। रेयर चांसेस में दिखते हैं, कई डिकेड मतलब 10-15 सालों के बाद हमें थोड़ा सा पोजीशन में चेंज फील होता है, ठीक है। ऐसे सडनली पोजीशन में नहीं होता कि आज देखा और कल देखा तो वो इतना दूर चला गया, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे बहुत 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 दूर है ना। जो नियर स्टार है वो हमें 4 साल, है ना, 4 light years डिस्टेंस के, तो बाकी स्टार्स के तो आप सोच ही सकते हो और दूर हो गए। फिर हमें हर चीज, हर जो सन वगैरह है वो कैसे मूव करते दिखाई देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, हमें हर चीज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं ना। अब क्या होते हैं, अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, yes. मान लो ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये मान लो इसका रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो कुछ ऐसे रोटेशन होगा, ठीक है, ऐसे रोटेशन करेगी अर्थ। तो ये रोटेशन एक्सिस पे, जैसे देखो यदि यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है, अच्छा देखो यहाँ वाला कोई स्टार है मान लो, तो वो इस वाले पर्सन को तो नहीं दिखेगा, लेकिन बी को दिखेगा, और यदि यहाँ पे स्टार है वो ए को दिखेगा, बी को नहीं दिखेगा, लेकिन यदि जो इस पे इनके रोटेशनल एक्सिस पे होंगे वो ए को भी दिखेंगे और बी को भी दिखेंगे। तो जो पोलर स्टार, इनको बोलते हैं पोल स्टार, क्या बोलते हैं, पोल स्टार, पोलर स्टार, तो इनकी लोकेशन कभी, इनकी पोजीशन एटमॉस्फेयर में कभी भी चेंज नहीं होती, नहीं होते, है ना। अब देखो हम कौन से स्फीयर में रहते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, और नीचे वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, साउथर्न है, साउथर्न, सदर्न, ठीक है। तो जो नॉर्थ है, अब हमें जो पोल स्टार है वो हमें कौन से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ। जो सदर्न हेमिस्फीयर में, उनके लिए पोल स्टार कौन से डायरेक्शन में शो करेंगे, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मोस्टली कंट्रीज, है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बाकी सब कंट्रीज जो मोस्टली कंट्रीज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है ना। तो नॉर्थ, तो हमें पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन देते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन देते हैं, क्लियर है। तो रात में हमें क्या होता है, यदि आपको पोजीशंस पता है कि कौन सा पोल स्टार होता है, तो उससे आप रात में क्या कर सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, क्लियर है। और अर्थ के नियर स्टार कौन सा है, अल्फा सेंचुरी या प्रक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं ना उसको। ओके सर। हाँ अब देखो क्या होता है कि गैलेक्सीज क्या होती है, तो जिसमें सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार। तो सोलर सिस्टम हम क्या बोल सकते हैं, सोलर सिस्टम हम बोल सकते हैं अ प्लेनेट, एक सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक प्लेनेट होता है, ग्रुप्स ऑफ प्लेनेट होता है,
और वन गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? बिलियन स्टार्स, मतलब 10^11 स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं, है ना? ओके सर। और एक गैलेक्सी इतनी ही गैलेक्सीज हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे। यदि जो गैलेक्सीज हैं, यदि हम एटमॉस्फेयर में देखें, अब हम तो नहीं, मतलब जैसे यदि आप बहुत ज्यादा टेलीस्कोप वगैरह से देखे हैं ना, यस सर, तो उससे क्या होगा? तो एक ग्रुप मिला आपको ऐसा, यस, है ना? पॉइंट्स टाइप ऐसे कुछ है ना, फिर यहाँ पे कुछ एक ग्रुप्स मिला है ना, तो इनको लगा कि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, इनको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, एक ये गैलेक्सी हो गई, एक ये गैलेक्सी हो गई, और इन गैलेक्सीज की थिकनेस कितनी है? यदि आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो 4000 ईयर्स लगेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। ठीक है, ओके सर। तो इनकी थिकनेस समझ सकते हो कितने बड़े होते हैं गैलेक्सी? यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ, तो यूनिवर्स अनलिमिटेड है ना, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं? 10^11 ही है, तो हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 10^22 स्टार्स है स्टार्स टोटल। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल है, स्पाइरल कैसा शेप है? ऐसा कूल टाइप ब्लू। हाँ, कुछ स्पाइरल शेप है ये, है ना? ऐसा। और कुछ गैलेक्सीज कुछ एलिप्टिकल शेप की है, है ना? और कुछ हमें पता ही नहीं, और रेंडम शेप की है ना। बेसिकली परफेक्ट स्पाइरल तो नहीं होता है, लेकिन हमने गैलेक्सीज को 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला स्पाइरल, एलिप्टिकल और एक रेंडम। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे स्पाइरल है। हाँ, और हमारे जो नियरेस्ट पड़ोसी गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है। क्लियर है? यस सर। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आता है सोलर सिस्टम। ठीक है, सॉरी, कंस्टेलेशन। देखो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है जिसको हम पर्टिकुलर शेप से पहचान सकते हैं। यस सर, उसको हम बोलते हैं कंस्टेलेशन, क्लस्टर। ठीक है, तो कंस्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे स्टार, ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार्स विच आर रिकॉग्नाइज बाय पर्टिकुलर पैटर्न, जिनको हम पैटर्न से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंस्टेलेशन। आ गई बात समझ में? यस सर। क्या होता है कंस्टेलेशन? ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार्स, ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर शेप। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंस्टेलेशन। अब कुछ कंस्टेलेशन जैसे आपने देखा होगा ओरियन, लिटिल बियर, है ना, अर्सा माइनर, जो सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, है ना? यस सर। तो ओरियन वगैरह क्या होते हैं कि इसके स्टार थोड़े से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तो हमें पहचानना क्या होता है? इजी होता है, ऐसा होता है ना। yes, एक ओरियन है, एक सप्तर है ना, लिटिल बियर कुछ ऐसा होता है चम्मच जैसा, है ना? यस सर, इस टाइप का होता है। तो ये कुछ कंस्टेलेशन है। एक कैसियोपिया होता है ना, वो कैसा? एम जैसा होता है, या इससे एम जैसा होता है ना, तो इनको पहचानना इजी होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 88 हैं कंस्टेलेशन। कितने हैं? 88। अच्छा, कंस्टेलेशन और स्टार में डिफरेंस क्या है? पहला, स्टार्स में क्या, सॉरी, कंस्टेलेशन और गैलेक्सीज में, गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? फ्यू स्टार। कंस्टेलेशन में होते हैं फ्यू स्टार्स। कितने होते हैं? फ्यू स्टार्स। इसमें इनफाइनाइट? यस सर, गैलेक्सीज में इनफाइनाइट होते हैं। इनका पर्टिकुलर क्या होता है? पैटर्न। पैटर्न इसमें कोई पैटर्न? पैटर्न। ये क्या है? अराउंड 88 है। 88, अनबिलीवेबल, अनकाउंटेबल, बिलियन काउंटेबल। इनको हम वी कैन सी इट बाय नेक्ड आई। ठीक है, यस सर, हम आई से देख सकते हैं इनको, है ना? Yes, लेकिन इसको हम, ठीक है, कंस्टेलेशन पूरा हम अपनी गैलेक्सी को पूरा नहीं देख सकते नेक्ड आई से, है ना?
समझ में आया? ठीक है, यस सर। तो कौन कौन से, जैसे अर्सा माइनर है, अर्सा मेजर है, लिटिल बियर है ना, तो ये आपको कंस्टेलेशन है, क्लियर है। अब देखो ये, जैसे किसी को पता है कि ये ओरियन की पहचान यदि आपने किया है ना, तो ओरियन की पहचान किया तो इन दो को यदि आप स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हो तो जो स्टार मिलता है वो होता है पोल स्टार। ठीक है, ओके सर। तो ऐसा आपको पोल स्टार की यदि पहचान करना, जैसे लिटिल बियर में भी एक स्टार पोल स्टार होता है, ठीक है, तो यदि आप जो लास्ट वाला होता है, तो यदि आपको पोल स्टार करना पहचान में आया तो रात में आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। तो जो सेलर्स वगैरह होते हैं पहले किस टाइम में, अब तो काफी सारे डिवाइसेस आ गए हैं ना, सर, कंपास, पहले वो डायरेक्ट पोल स्टार की तरफ। जैसे ये देखो बिग डिपर है, ठीक है, बिग डिपर का से जो आप इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये लिटिल बियर का जो एंड लास्ट वाला होता है, ये लास्ट वाला होता है पोल स्टार ना, यदि आप रात में देख सकते हो ये पहचान लिया आपने ये लिटिल डिपर है तो उसका जो लास्ट वाला है वो है पोल स्टार। ठीक है, मतलब वो जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? ये सब मेथड्स काफी अब पुराने हो चुके हैं, मतलब है ना, पहले यूज होते थे, अब तो काफी टेक्नोलॉजीज आ गई।